गुड इवनिंग एवरीवन, और स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में, और स्वागत है आपका बिहार से, बिहार के राजेंद्र नगर टर्मिनल रेलवे स्टेशन से। जैसा कि आप लोग को आइडिया तो लगी गया, हम टाइटल एंड थंबनेल देखे कि हम लोग किस ट्रेन में जर्नी होने वाली, तो हम लोग ट्रेन जर्नी होने वाली 13246 कैपिटल एक्सप्रेस, जो कि राजेंद्र नगर टर्मिनल से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच में चलती है। तो गाइस, जो यहाँ पे जो हवा चल रही है ना, वो काफ़ी अच्छी हवा चल रही है, मतलब कि एकदम अच्छी वाली वाइब्स आ रही है। और राजेंद्र नगर टर्मिनल रेलवे स्टेशन देख के ना काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि पहली बार आए हैं यहाँ पे, और ऐसा ना काफ़ी अच्छा रेलवे स्टेशन है। तो आपको एक सिनेमेटिक शॉट दिखाते हैं स्टेशन का, फिर चलते हैं अंदर, फिर ट्रेन की टाइमिंग की बात करेंगे, हर चीज़ बात करेंगे। देख सकते कुछ इस प्रकार का राजेंद्र नगर टर्मिनल रेलवे स्टेशन है, और यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की मूर्ति भी लगाई गई है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, और काफ़ी अच्छा भी लग रहा है। स्टेशन के सामने इन्हीं के नाम से स्टेशन है, और इनकी मूर्ति भी लगाई ना, ये बढ़िया है और अच्छा भी लग रहा है। ये राजेंद्र नगर टर्मिनल का एंट्रेंस गेट, और सामने अपनी ट्रेन लगी हुई है कैपिटल एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। और सो अगर रेलवे स्टेशन की बात करें ना, तो सफाई एकदम चकाचक है, एकदम एक नंबर। हम लोग आ चुके हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे, और पीछे अपनी ट्रेन लगी हुई है कैपिटल एक्सप्रेस। और बताया जाता आज हम लोग की जर्नी होने वाली सेकंड सीटिंग में, अपना कोच है D1 और सीट नंबर है 24। सो अगर अपनी कैपिटल एक्सप्रेस की टाइमिंग बारे में बात की जाए ना, तो यह ट्रेन रात को 11:15 पर निकलती है राजेंद्र नगर टर्मिनल से, और नेक्स्ट डे आपको 12:45 न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन पहुंचा देती है। टोटल डिस्टेंस कवर करती है 515 किलोमीटर, और हॉल्ट पता है कितना है, 35 हॉल्ट। 515 किलोमीटर में 35 हॉल्ट, मतलब कि इस ट्रेन का हॉल्ट काफ़ी ज़्यादा है। बस यही दिक्कत है, नहीं तो ट्रेन तो एक नंबर है, क्योंकि यहाँ से जाने के लिए न्यू जलपाईगुड़ी यानी कि आसाम साइड जाने के लिए बिहार ना मोस्ट डिमांडेबल ट्रेन है, और इसमें जल्दी टिकट उकट मिलता नहीं है। भाई एक बात और, आज हम लोग जो ट्रेन में जर्नी कर रहे हैं इसका नंबर है 1246। तो गाइस, जो ये ट्रेन है ना, ये बस वीक में 3 दिन ही चलती है, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, बस ये न्यू जलपाईगुड़ी तक ही जाती है, राजेंद्र नगर टर्मिनल से न्यू जलपाईगुड़ी तक। और सो गाइस, संडे मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे और थर्सडे को ये ट्रेन 13248 बन के चलती है राजेंद्र नगर टर्मिनल से। टाइमिंग सेम रहता है वही 11:15 पे, और ये ट्रेन इस दिन जाती है कामाख्या तक, बट आज हम लोग जो ट्रेन में जर्नी कर रहे हैं ये हम बस जाएगी न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन तक। तो इसमें हम लोग की एंड टू एंड जर्नी होने वाली है। तो अभी तो टाइम हो रहा है लगभग 10:15 हो रहे हैं अपनी ट्रेन में खुलने को 11:15 पे, तो चलते पहले लोकोमोटिव देखते हैं, फिर उसके बाद जर्नी कंटिन्यू करते हैं। और सोगा जी, ये देख सकते हैं मधुबनी पेंटिंग, और बिहार में आया मधुबनी पेंटिंग ना देखने को मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता है। यहाँ पे दीवारों पे बनाया गया है, इधर भी है। आज अपनी कैपिटल एक्सप्रेस में लगा हुआ है गाजियाबाद सेट का वह 5 लोकोमोटिव, और जो जनरेटर कार चल रहा है ना काफ़ी शोर कर रहा है, इसलिए पीछे से ही दिखा रहे हैं। और ये हम लोग को अपनी मंजिल तक ले जाएगा गाजियाबाद का वह 5 लोकोमोटिव, और ये जनरेटर कार जो कि काफ़ी शोर कर रहा है, और पीछे इधर रहा अपना कोच D1 D2 C3। और सो गाइस, कुछ ये देख लीजिए सेकंड सीटिंग का कोच कैसा है। कोच का हाल देख लेना सेकंड सीटिंग का, अभी तो ट्रेन को खुलने में 1 घंटे बचे हैं, लेकिन पहले ही से इतना फुल ऑन पैक हो गया, मतलब ट्रेन आते ही जब जैसा कि आपने लास्ट वाला क्लिप देखा होगा वाटर वेंटिंग मशीन का, तो वहाँ पे हमने पानी लिया है, ये 1 लीटर का, ये हम लोग को पड़ा है 5 रुपये का। पानी एकदम एक नंबर का है, जो कि इस लेरी वाला पानी होता है ना जो हम लोग स्टेशन लेते हैं, या फिर रेल लीन वाला, एकदम वैसा ही पानी है, मात्र 5 रुपये लीटर। तो हम तो आप लोग से बोलेंगे, सजेस्ट करेंगे कि अगर आप कोई भी रेलवे स्टेशन में वाटर वेंटिंग मशीन दिखता है ना, तो आप लोग वहीं से पानी लीजिए। अगर आपके पास ये वाटर बॉटल है तो 1 लीटर 5 रुपये का, अगर वाटर बॉटल नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ से वाटर बॉटल मिल जाएगा, बस 5-6 जगह 8 देना पड़ेगा। तो आप लोग भी जा रहे हैं रेलवे स्टेशन, अगर आप लोग वाटर वेंटिंग मशीन दिखे वहीं से पानी उनी ले लीजिएगा। वैसे भी रेल लीन के चक्कर में पड़ेंगे तो 15 का तो रेल लीन मिलता ही है, लेकिन कहीं कहीं लोग दे देते हैं, और कहीं कहीं 15 की जगह 20 का भी देते हैं। Thank you.
मॉर्निंग गाइस, और फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं कटिहार, जिसका स्टेशन कोड KIT। और हम लोग की ट्रेन यहाँ पे आएगी 25 मिनट डिले, और हम लोग की ट्रेन के यहाँ पे 15 मिनट का हॉल्ट है। हॉल्ट क्यों है बताएंगे आपको 15 मिनट का। और कटिहार रेलवे स्टेशन के बारे में बात करें तो 8 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है, और यह रेलवे स्टेशन को ऑपरेट करता है नॉर्थ फ्रंटियर ईस्ट रेलवे, यानी कि NFR, जो कि काफ़ी अच्छा रेलवे जोन माना जाता है। हमको तो अच्छा लगता है, आप लोग को कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और सो भाई, कटिहार रेलवे स्टेशन ओपन हुआ था इन ईयर 1889, और इलेक्ट्रीफाइड तो अभी हाल ही फिलहाल हुआ है, मतलब थोड़े दिन पहले 2017 में अप्रैल में। और 15 मिनट का हॉल्ट, जैसा कि आपको बताया ना, क्यों यार, क्योंकि अभी ट्रेन अभी तक आपने देखा था कि गाड़ी 5 लोकोमोटिव के साथ आ रही थी, बट यहाँ से अपनी ट्रेन में डीजल लोकोमोटिव अटैच होने वाला है। चलिए देखते हैं डीजल लोकोमोटिव। अभी कपलिंग, हाँ अभी कपलिंग हुई है, आपको कपलिंग दिखा। तो भाई अभी कटिहार से चाय लिए ना, और चाय का टेस्ट ना एकदम एक नंबर, एकदम घर वाला टेस्ट आ रहा है। जैसे घर पे हम लोग बना के पीते हैं चाय ना, एकदम वैसे ही बना के पिए हैं, तो घर वाला टेस्ट तो आएगा ही। तो टेस्ट काफ़ी अच्छा है, अगर कटिहार से आप लोग निकलते हैं तो सुबह सुबह चाय ट्राई कर सकते हैं, एकदम एक नंबर से मिलेगा। ये रहा अपना लोकोमोटिव, आ चुका है, जो कि सिलीगुड़ी सेट का WDP-4D है, और एक नहीं दो दो लोकोमोटिव है जो कि अपनी कैपिटल में अटैच होगा, प्रिंस लोकोमोटिव। आज यहाँ पे हमसे भी बड़े बड़े लोग रेल फैन हैं लोकोमोटिव का कपलिंग देखने के लिए। आज हमने ट्रेन निकल चुकी है कटिहार जंक्शन से, लगभग 15 मिनट डिले। आज क्या कर्व है कटिहार जंक्शन से निकलने के बाद, एकदम पूरी की पूरी ट्रेन ही अपनी घूम रही है। जो चगिंग आ रही है डीजल लोकोमोटिव की ना, मजा आ जा रहा है। परसोई जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड BOE, और हम लोग की ट्रेन यहाँ पे आई है 40 मिनट डिले, और हम लोग की ट्रेन के यहाँ पे मात्र 2 मिनट का हॉल्ट है। और अगर परसोई रेलवे स्टेशन के बारे में बात करें तो ये आता है कटिहार डिवीज़न में और नॉर्थ फ्रंटियर ईस्ट रेलवे जोन में, और कटिहार में लगभग 3 प्लेटफॉर्म है, और यहाँ से 87 ट्रेनें पर डे हॉल्ट होती हैं, और 0 ट्रेनें टर्मिनेट होती हैं और 0 ट्रेनें ऑरिजिनेट, मतलब यहाँ से कोई ट्रेन टर्मिनेट और ऑरिजिनेट नहीं होती। और ये जो बरसोई है, ये पड़ता है बिहार में कटिहार डिस्ट्रिक्ट में। पॉइंट क्यों है तो बता दो, तो यहाँ से एक लाइन जाती है हावड़ा
न्यू जलपाईगुड़ी लाइन और एक है कटिहार सिलीगुड़ी लाइन और एक है बरौनी गुवाहाटी लाइन और एक यहाँ से ब्रांच लाइन जाती है राधिकापुर की तरफ, इसलिए बरसोई जंक्शन को जंक्शन भी कहा जाता है। और यहाँ का मौसम थोड़ा ठीक है, कटिहार के बाद से ना मौसम थोड़ा ठीक है। और तो आप लोग बाहर का व्यू देखें कितना बढ़िया बढ़िया था, मतलब कि ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और व्यू जो है नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे का जैसे पहले ही बताए हैं कि बहुत ही अच्छा खासा जोन है, तो व्यू तो मिलेगा ही। इस वजह से ना थोड़ी गर्मी कम लग रही है तो अच्छा लग रहा है। यहाँ बरसोई जंक्शन में अपनी ट्रेन को ओवरटेक होने वाला है, पता है किससे? न्यू दिल्ली डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस ओवरटेक होने वाला है। चलिए आइए दिखाते हैं आपको ओवरटेक राजधानी एक्सप्रेस का। बरसोई से अपनी ट्रेन निकलने के बाद ना बहुत ही खूबसूरत सा कर्व है, मतलब कि आपको स्वाद आ जाएगा, दिखाते हैं आपको वो कर्व। कर चुकी है वेस्ट बंगाल में, और वेस्ट बंगाल में आने के बाद ना बारिश एकदम हो गई है, धीमा धीमा बारिश हो रही है और मानसून एकदम आ चुका है। और टी गार्डन जो बगल बगल में दिख रहा है ना, एक नंबर व्यू आ रहा है। और अपनी ट्रेन सिंगल डीजल लाइन पे जा रही है तो वो व्यू तो और ही अच्छा है, तो आप लोगों को भी दिखाते हैं वो व्यू, तो ये देखते हैं। हम लोग की ट्रेन पहुँचने वाली बात हो रहा है, उससे पहले एकदम बढ़िया वाली बारिश हो चुकी है, मतलब मानसून वाली। चलिए देखते हैं हम लोग बारिश, और बारिश में जो बारिश होती थी उसके बाद जो दिख रहा है ना चारों तरफ एकदम गिनती गिनती एकदम अलग ही लेवल का, एकदम अल्टीमेट व्यू आ रहा है। चलिए आइए देखते हैं, एक नंबर व्यू गाइस।
किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद हम लोग की ट्रेन पहुँच चुके हैं बागडोगरा रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है BORA। और मौसम देख रहे हैं ना, और बारिश हो रही है, और अपनी ट्रेन का सिग्नल भी हो चुका है, यहाँ से सिग्नल हो चुका है, अंकिंग हो चुकी है। और यहाँ से बागडोगरा, ये जो है ना वेस्ट बंगाल के एयरपोर्ट भी है, मतलब सिलीगुड़ी का, यहाँ से काफ़ी पास में है। और यहाँ पे 6 सिटी के लिए डायरेक्ट फ्लाइट भी मिलती है, जैसे कि चेन्नई, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलोर, कोलकाता। 2 मिनट हॉल्ट के बाद ट्रेन अपनी रवाना हो चुकी है बागडोगरा एयरपोर्ट से। तो भाई मौसम जो है ना एकदम कमाल का, देख सकते हैं। चलिए देखते हैं डिपार्चर। और वो रहा गाइस सामने एयरपोर्ट बागडोगरा जो बात कर रहे थे। बारिश इतनी तेज हो चुकी है ना कि दिन में ही रात जैसा माहौल हो चुका है, और चारों तरफ बारिश ही बारिश, बस धुंध दिख रहा है, कुछ ज़्यादा दूर तक दिख नहीं पा रहा है। इतना बेहतरीन पश्चिम बंगाल में बारिश हो रही है कि अब क्या ही व्यू दिखाएं हम आप लोग को इस बारिश में। चलिए जो भी होता है आगे अपडेट आप लोग को मिलता ही रहेगा। ट्रेन पहुँच चुकी है सिलीगुड़ी जंक्शन, और हम नीचे नहीं उतर पा रहे हैं, वो आप लोग भी देख लीजिए। देख रहे हैं इतनी बारिश हो रही है, यहाँ यहाँ तक बारिश हो रही है, देखो यहाँ यहाँ तक बारिश हो रही है। इस हालत में कहाँ से उतरेंगे नीचे। इस साइड का कुछ व्यू तो आज अपनी ट्रेन निकल चुकी है सिलीगुड़ी जंक्शन से। बारिश देख रहे हैं, ये देखिए बारिश। तो गाइस ये देख सकते हैं, ये टॉय ट्रेन वाली लाइन है जो हम लोग की लाइन में मर्ज हो गई। और ये है महानंदा रिवर। Thank you.